आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स फायरमैन के फिजिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 7 डेज के अंदर है, मैं स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को लेकर जो वीडियो लेके आता हूँ, वही वीडियो आज आप सभी स्टूडेंट्स सामने। तो आज के वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेगी कि जब आपको फाइनल रनिंग होगी तो उसमें आपको किस समस्या का सामना कर सकता है, करना पड़ सकता है, और आपको उस समस्या से किस तरह से मतलब लड़ना है, और किस तरह से उस समस्या आपसे आप जूझ कर भी अपना बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और एक चीज पे आप फोकस करना, स्टूडेंट जो रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो इस पेड़ के यहाँ से कर रहे हैं, है ना। तो एंडिंग पॉइंट भी आपको यही रहना चाहिए। कुछ स्टूडेंट क्या है कि ध्यान देते हैं उस चीज के ऊपर जहां पर कैमरा होता है, कैमरा क्रॉस होने के बाद अपना टाइमिंग देखते हैं, जबकि आपने जहां से स्टार्ट किया है आपको टाइमिंग वहीं तक देखना है, ठीक है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन स्टूडेंट फोकस करिएगा आप, मेनली आज जो हमारा फोकस रहेगा वीडियो में इन स्टूडेंट के ऊपर रहेगा, ठीक है। इन स्टूडेंट ने रनिंग स्टार्ट करी, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने रनिंग स्टार्ट करी और यहाँ पर एक स्टूडेंट ये गिर चुके हैं, ये स्टूडेंट रुके और वापस खड़े हुए और वापस रनिंग स्टार्ट करी, ठीक है। तो ये आज सबसे बड़ा पॉइंट है इनका। तो लास्ट टाइम आप 7 डेज पहले का वीडियो देखोगे तो इन्हें रनिंग टाइम आया था 1 मिनट और 21 सेकंड। अगर आप सपोज कीजिए ये स्टूडेंट गिरने के बाद अगर रुक जाते और मैं इनको रनिंग करने के लिए नहीं बोलता तो रनिंग टाइम क्या था, रनिंग होती ही नहीं इनकी। इन्होंने रनिंग खड़े होकर दोबारा स्टार्ट करी है तो 1 मिनट और 28 सेकंड में अपनी रनिंग कंप्लीट करेंगे, जबकि फायरमैन के फिजिकल के अंदर 1 मिनट 40 सेकंड लास्ट रनिंग टाइम है। उससे अगर आप कम टाइम का रनिंग कवर करते हो तो आपको नंबर्स मिलेंगे, अगर 1:40 से ऊपर टाइम लेते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो मेनली मेरा फोकस इस चीज के ऊपर है। दूसरा फोकस कि स्टूडेंट से क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर तो आप टाइम बहुत जल्दी कवर करते हो। स्टूडेंट ने जब स्टार्टिंग में जब आए थे तब 2 मिनट रनिंग टाइम आ रहा था, 2 मिनट 30 सेकंड आ रहा था। अब रनिंग टाइम स्टूडेंट का 1:30 आ रहा है, 1:25 आ रहा है। इस टाइम को अगर आप कवर करोगे ना तो 1 सेकंड को कवर करने के अंदर आपको कम से कम 7 दिन चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 7 दिन में 5 सेकंड कम कर लोगे, ठीक है, इसी पे फोकस रखें। दूसरी बात, कोई दूसरा स्टूडेंट बीच में आ गया तो भी आपका 1 सेकंड खा जाता है। इस वीडियो के अंदर आप लाइन में सबसे आगे खड़े हो, जबकि 7 डेज बाद में फिजिकल कराऊंगा तो आप लाइन में पीछे खड़े हो गए तो आपके 2 सेकंड खराब हो गए। हर चीज फोकस करना है आपको। फर्स्ट स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा इनको, 1 मिनट और 19 सेकंड इन्होंने पेड़ को क्रॉस कर लिया था, इन्होंने 1 मिनट 22 सेकंड में क्रॉस कर चुके हैं, ये 1 मिनट 24 सेकंड, ये स्टूडेंट 1 मिनट 27 सेकंड, ये स्टूडेंट 1 मिनट 28 सेकंड। जो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता रहा था वो स्टूडेंट कवर कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। एक स्टूडेंट तो जो वहीं खड़े रह गए थे उनको 0 नंबर मिले हैं, और दूसरे स्टूडेंट जिन्होंने गिरने के बाद भी अपनी रनिंग कंप्लीट करी 1 मिनट और 28 सेकंड के अंदर। वो कॉन्फिडेंस मुझे सभी स्टूडेंट में चाहिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। कोई स्टूडेंट आपकी वजह से भी गिर सकता है, मान लो आपसे गलती हो गई, गिर गया, तो आपको उस टाइम नहीं, आप उससे माफी मांगो, आप रनिंग करके आओ, अपना इवेंट कंप्लीट करो और उसके बाद में उसको सारी आप बात बता सकते हो कि मेरी इस तरह से गलती हो गई, आप माफी भी मांग सकते हो। लेकिन आप पिछले 6 महीने से तो फिजिकल तैयारी कर रहे हो और फायरमैन की तैयारी करोगे आप 2 साल से 5 साल से, कब से करो पता ही नहीं है। तो उस समय को आप सिर्फ एक ट्रेजेडी से खत्म नहीं कर सकते। तो मेनली मेरा फोकस आज इसी चीज के ऊपर था। आप रेगुलर मेहनत करते रहिए, आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे। एक स्टूडेंट इन पे फोकस करना आप वीडियो के अंदर। मैंने स्टार्टिंग में आपसे स्टूडेंट को नहीं बताया था, ये जो इनके पीछे की तरफ है, लास्ट टाइम भी इनका रनिंग टाइम 1 मिनट 31 सेकंड आया था। ये भी स्टूडेंट वहां पर रुके थे उनको संभालने के लिए, और आज भी इन्होंने 1 मिनट और 31 सेकंड के अंदर ही अपनी रनिंग कंप्लीट करी है। तो मींस कम से कम 5 सेकंड का रनिंग का इंप्रूवमेंट इन स्टूडेंट की स्ट्रेंथ में हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट का रिजल्ट है। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आने के धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो रेगुलर व्यूवर्स है वो भी प्लीज वीडियो लाइक कीजिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट गाइडेंस के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल पर रेगुलर बने रहिए। रेगुलर 7 डेज बाद में दोबारा स्टूडेंट की स्ट्रेंथ लेके मैं आप सभी स्टूडेंट सामने वीडियो लेके आऊंगा।